अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवा। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी BJP को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी और उसके लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी 26 सीटों का ऐलान भी कर दिया है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद इस बात की घोषणा की है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले हमें पता होता कि BJP की तरफ से हमें ऐसे अनदेखा कर दिया जाएगा तो हमारी पार्टी 51 की जगह 100 सीटों पर चुनाव लड़ती। बता दें कि बिहार में BJP और JDU की गठबंधन वाली सरकार है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में BJP ने JDU के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। JDU ने भी अभी 26 सीटों का ऐलान करते हुए BJP के विरोध में चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है। बता दें कि उधर कोरोना गाइडलाइन के बावजूद लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं और सभी पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। बता दें कि BJP ने JDU के RCP सिंह को भरोसा देते हुए कहा था कि बिहार के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में JDU के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर उनकी बातचीत गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से भी हुई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बाद BJP ने इस मामले में चुप्पी साध ली और ऐसे में JDU को अब अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।